दिन दोस्तों, मैं हूं कविराज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, जितने भी छात्र झारखंड बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले हैं, 8वीं 9वीं 11वीं के छात्र हैं या मैट्रिक इंटरमीडिएट के छात्र हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों झारखंड एकेडमिक काउंसिल अर्थात झारखंड बोर्ड की तरफ से आप सभी छात्रों की बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, अपडेट की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों का जो बोर्ड एग्जाम्स है वो 24 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक जो है आयोजित होने वाला है। उससे पहले जो है 12 क्लास वालों का प्रैक्टिकल एग्जाम संचालित किया जाएगा, साथ ही दोस्तों इंटरनल असेसमेंट भी आप लोगों का लिया जाएगा। साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ साथ इंटरनल असेसमेंट होगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे एडमिट कार्ड अभी तक नहीं मिला है। तो देखिए दोस्तों, सोमवार से लेकर बुधवार तक की मैं आप लोगों को सभी विद्यार्थियों को, मैट्रिक के हैं या इंटरमीडिएट के हैं, सभी को जो है एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। और दोस्तों, मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड लेते समय जो है कुछ बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, आपको यह देखना है कि आपके नाम में कहीं में गड़बड़ी तो नहीं हुई है। अगर वो ठीक ठाक है तो चलिए। उसके बाद आपको देखना है कि आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम में कहीं स्पेलिंग में गड़बड़ी नहीं है, कहीं आपका जो है कोई वर्ड तो छूटा नहीं है। अगर इस तरीके से वहां पर सिचुएशन आ रही है तो तुरंत जो है आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, जिसमें आपको यह बताना है कि मेरे एडमिट कार्ड में जो है स्पेलिंग गड़बड़ हुई है या नाम में कुछ जो है गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे ये वर्ड होना चाहिए, यहाँ पे छूट चुका है। इस तरीके से आपको वहाँ पे बताना होगा। एप्लीकेशन लिखते समय जो है आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या वहाँ पे दर्शानी है, ठीक है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि एप्लीकेशन लिखने के बाद जो है आपको जो ओरिजिनल जो कि जो आपके स्कूल की तरफ से जो एडमिट कार्ड दिया जा रहा है उसका एक फोटो कॉपी करा लीजिएगा। फोटो कॉपी जो है अपने पास रखिएगा और ओरिजिनल वाला जो आप स्कूल की तरफ से दिया जाएगा उसको जो है फिर से जो है एप्लीकेशन के साथ संकलन करने के बाद आपको जो है अपने प्रधानाध्यापक को जो है सौंप देना है, उसको जमा कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका 7 दिन के अंदर जो है आप लोगों का नाम में सुधार हो जाएगा, आपकी जो गलतियां हैं उसको जो है सुधार कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आप इस तरीके से नहीं करते हैं, एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं, आप सोचेंगे बाद में करा लेंगे, तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा। कहीं आपको ऑफिस जाना होगा, जैक ऑफिस, फिर दुमका जाना होगा, कभी रांची जाना होगा, बहुत ज़्यादा जो है आपको जो है परेशानी होगी। और इसलिए दोस्तों, आपको अगर इसमें जो है त्रुटि आ रही है एडमिट कार्ड में कि यहां पे मिस्टेक हो रहा है, यहां पे ये होना चाहिए, तो आप तुरंत एप्लीकेशन लिखें और एडमिट कार्ड को साथ साथ जो है आपको जो है प्रधानाध्यापक के कक्ष में जाके जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की अपडेट को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 8वीं 9वीं 11वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो कब होने वाला है, इसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। देखिए, यहां पे बताया गया है कि 31 मार्च तक जो है ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगी, यानी कि 8वीं तक की जो परीक्षाएं हैं, 8वीं तक की जो क्लासेस हैं वो 31 मार्च तक जो है नहीं लिया जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 8वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं, मैं संक्षिप्त रूप से बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे बताया गया कि 31 अप्रैल के बाद जो है 8वीं वालों का बोर्ड एग्जाम्स होने वाला है। साथ ही दोस्तों, 9वीं और 11वीं की बोर्ड की परीक्षाएँ जून में आयोजित की जाने वाली है। आगे बताया गया कि राज्य में कक्षा 9 और 11वीं की बोर्ड की परीक्षा जून में होगी। परीक्षा को लेकर आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कक्षा 9 और 11वीं के दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होगी। यानी दोस्तों, जिस तरीके से 10वीं और 12वीं वालों का दोनों टर्म का एग्जाम्स एक साथ लिया जाएगा, उसी प्रकार से जो है 9वीं और 11वीं वालों का भी बोर्ड एग्जाम्स एक ही बार लिया जाएगा, एक ही साथ आपका जो है संचालित कर लिया जाएगा। आगे बता दूं कि फर्स्ट टर्म की परीक्षा जो है मार्कशीट पर होगी और दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। यानी कि क्या होगा कि आधा सिलेबस आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा और मार्कशीट पर एग्जाम्स होगा, और आधा जो सिलेबस बचेगा वो आपका लिखित लिया जाएगा, उत्तर पुस्तिका में आपको एग्जाम्स देना होगा। और ये जो बोर्ड एग्जाम्स है 9वीं और 11वीं का, ये जून के महीने में लिया जाएगा। और दोस्तों, मैं बता दूं कि मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों का जो रिजल्ट का डेट है वो भी यहां पे दर्शाया गया है, ये भी संकलन किया गया है कि आपका जो रिजल्ट है मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों का 7 जून से लेकर 15 जून के बीच आयोजित होने वाला है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि आपका रिजल्ट जो है जल्द से जल्द जारी करने का जो है तैयारी कर रही है, और आपका जैसे ही एग्जाम समापन होता है उसका मूल्यांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार से वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।